सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म देखकर शेखर सुमन की आंखें भी बाकी लोगों की तरह नम हो गई। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो है सुशांत के लिए कही है, उन्होंने लिखा है कि बहुत ही नम आंखों से मैंने तुम्हारी ये फिल्म देखी और जो है आई वॉज ओवरवेल्ड विद इमोशंस। तुम्हारी स्माइल हो, तुम्हारा ऑरा हो, वो सारी चीज़ें मेरे दिल में अभी भी हैं और हमेशा मेरे दिल में रहेंगी और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक तुम्हें न्याय ना दिला दूं। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं, ये फिल्म देखकर तुम्हारी सारी यादें जो हैं ताज़ा हो गई। ऐसा लगा कि तुम हमारी नज़रों के सामने फिर से आ गए हो, लेकिन तुम इतने खूबसूरत थे, तुम इतने टैलेंटेड थे कि तुम्हें उसी की कीमत चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं, वी हम उसे वापस तो नहीं पा सकते, लेकिन उसे जो है जस्टिस तो दिला ही सकते हैं ना। तो कुछ इस तरह की बात जो है उन्होंने कही है कि सुशांत को अपने टैलेंटेड होने की जो है कीमत चुकानी पड़ी है। और वाकई में जैसा कि हम सभी के साथ हुआ, सुशांत की उस फिल्म को देखकर ऐसा लगा कि मानो सुशांत ही हमारे सामने आ गए हो। कुछ उसी तरह के इमोशंस को शेखर सुमन ने भी बयां किया है और उन्होंने कहा है कि तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अब आप लोगों की आवाज़ें जो है कोलाहल में तब्दील हो चुकी है, कोई भी अब इसको इग्नोर नहीं कर सकता, बहुत ही जल्दी न्याय मिलेगा। और आज जो है डॉक्टर स्वामी ने भी बताया कि किस तरह से पीएम मोदी को चिट्ठी मिल चुकी है, आगे भेज दी गई है। तो वाकई में इस केस को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बातें आ रही हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है उनकी फिल्म का, वो वाकई में सभी के दिल के करीब रहेगी। और जैसे जिस तरह से आप सभी इस फिल्म को देखकर रोए हैं, कुछ उसी तरह के इमोशंस शेखर सुमन ने भी बयां किए हैं।